शिवपुर गांव में कितने दिनों से एक तरह का उत्पात शुरू हुआ है, भूत का उत्पात। और वो होता है शिवपुर से डोमकल जाने के रास्ते में। उस रास्ते में एक बांस का बागीचा पड़ता है। उत्पात तो वही होता है। बाप रे बाप, दीनू मैं तुम्हारा बाजार लेकर जा रहा हूँ। अरे दीनू, तुम्हारा बाजार तो भूत लेकर चला गया। ले गया इसीलिए तो बोले। और उसकी कितनी भयंकर हंसी थी। मैं था तो बच गया, अगर दूसरा रहता तो मर जाता। घटना के कुछ दिन बाद ही एक समय बाजार वाले दिन शाम के समय मधु कुमार बाजार से अपना सामान खरीद कर घर की ओर आ रहा था। मेरी एक छोटी टोकरी है जिसमें राम रावण है, जो देखना चाहे आके देख ले अपनी आँखों से। अरे भाई, यह क्या हुआ? इस रास्ते के बीच में बांस कैसे सोए हैं? किसी तरह कूद कर इसके पार चला जाऊं। अरे बाप रे बाप, भूत! राम 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 राम। चलो, इस मेटे के पेट में गुदगुदू देते हैं। अरे छोड़ो 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 छोड़ो, लग रहा है लग रहा है लग रहा है, छोड़ो 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 छोड़ो। क्या क्या बात है, वो क्या तुम्हारा पेट में गुदगुद दिया? केवल यही नहीं, मेरे अनाज का बैग और पॉकेट का पैसा भी सब ले गया। सुन रहे हैं क्या समझे सामू? मैंने तो यही सुना था कि भूत गर्दन मरोड़ कर खून पी जाते हैं, लेकिन ये नहीं सुना था कि अनाज और रुपया पैसा ले लेते हैं और साथ में उसके बदले गुदगुदी दे देते हैं। मुझे लगता है किसी भूत खदेड़ने वाले को बुलाना चाहिए। ओह, यहाँ ओझा का काम नहीं है, इसके भीतर अवश्य ही रहस्य की कुछ बात है। सब सुनो तब। खूब सावधानी से काम करना होगा, ध्यान रखना, समझे? जगह कल शाम के समय में है। छोटी मछली बड़ी मछली जो देखेगा आके देख ले अपनी आंखों से देख ले। जगाई, हम लोगों को सांग समझी मछली दे जाओ तो कभी नहीं दूंगा, तब मैं तुम्हारी गर्दन मरोड़ कर तुम्हारा खून पीऊंगा। अरे कौन है रे? उसके पहले तू बता कौन है। अगर नहीं बोलूं तो हम लोगों के पास चाकू है, छोड़ दो नहीं तो एक ही वार में। अरे कौन कहा है, जल्दी आओ तो। ए शामू, जाओ जाकर उनका मुकर हटाओ तो। ए, खोलना नहीं खोलना नहीं। चलो इन लोगों को थाने ले चलो। चलो 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 चलो, हाँ चलो 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 चलो। उसके बाद से ही उस बांस के बागीचे के पास भूतों का उत्पात बंद हो गया।